हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज की वीडियो में हम IBPS RRB स्केल 2 एंड स्केल 3 का फिनेंशियल अवेयरनेस का स्ट्रेटेजी देखेंगे एंड ये देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर एंड हमको क्या क्या करके जाना है इस साल के लिए। इस फिनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्यों होता है हम आगे देखेंगे। ये रहा फिनेंशियल अवेयरनेस का स्केल 2 एंड स्केल 3 ऑफिसर्स के लिए आपको स्ट्रेटेजी। एंड गाइस, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए आई एग्जाम बी चैनल को। ऐसे ही IBPS RRB स्केल 2 एंड स्केल 3 एंड स्केल 1 के लिए हम बहुत सारे वीडियोस लाएंगे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प होगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। एंड आपको कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी जानकारी चाहिए एग्जाम के रिलेटेड, तो आप hello@iexambi.com पे मेल कर सकते हो और यू कैन ऑलवेज कॉल एट दिस नंबर, दैट इज 9205524028। तो पहले हम देख लेते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है। आप लोगों को ऑलमोस्ट पता ही होगा क्या पैटर्न रहता है इसमें। रीजनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज, फिनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो फिनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चन आते हैं जिसका टोटल मार्क्स भी 40 होते हैं। कंप्यूटर का देर आर 40 क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स एंड रीजनिंग का 40 क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स एंड सेम फॉर क्वांट, 40 क्वेश्चन एंड 50 मार्क्स। तो यहाँ पे हम फिनेंशियल अवेयरनेस का देखेंगे जो कि है 40 मार्क्स का आउट ऑफ 200। सो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है। लाइक द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल बी पुटिंग इनटू दिस सेक्शन एंड इस पे आपको मार्क्स बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करते हो। तो पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट ईयर की जो पेपर हुआ था उसमें किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे एंड एंड में हम देखेंगे कि आपका स्ट्रेटेजी एंड सोर्सेस क्या होना चाहिए। तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर बजट से 2 क्वेश्चन आए थे। लास्ट ईयर की बजट से एंड इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से। तो बजट से 2 क्वेश्चन आए थे। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के स्टैटिक क्वेश्चन जो रहते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन से देर आर 5 क्वेश्चन। बजट से 2 क्वेश्चंस थे एंड बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के स्टैटिक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस थे। मेजर सेक्शन है जो आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस में डोमिनेट करता है वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स। जो करंट हैपनिंग्स है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर्स के, वो थे 29 क्वेश्चंस। ठीक है, 29 क्वेश्चंस वर थे एंड ये थे एग्जाम्स के 5 to 6 months के न्यूज से ही, नॉट अर्लियर देन दैट। 5 to 6 months के न्यूज से ही बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स थे 29 क्वेश्चंस। तो जनरल करंट अफेयर्स से 2 क्वेश्चंस थे, हम देखेंगे क्या क्वेश्चंस थे। एंड अपॉइंटमेंट्स से भी 2 क्वेश्चंस थे। एंड यहाँ पे अपॉइंटमेंट जब कहा जाता है फिनेंशियल अवेयरनेस में, अपॉइंटमेंट मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू फिनेंशियल सेक्टर और BFSI सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज, यहाँ पे अपॉइंटमेंट के बारे में हम बात करते हैं। तो आप देख सकते हो ये है लास्ट ईयर की फिनेंशियल अवेयरनेस की ब्रेकअप। सबसे ज्यादा है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स। जनरल करंट अफेयर्स टोटल 2 क्वेश्चंस थे। और तो इस सेक्शन को आप जब भी आप कोई भी करंट अफेयर्स मैगजीन से कवर करते हो, न्यूज़पेपर से कवर करते हो, तो इस सेक्शन को आप सबसे कम प्रायोरिटी देना, चाहे तो स्किप भी कर सकते हो अगर आपके पास टाइम की इश्यूज हैं। तो क्योंकि 2 क्वेश्चन ही आएंगे और ज्यादा आपको फोकस करना है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के करंट अफेयर्स पे, तो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। तो अभी हम देख लेते हैं आगे बढ़ने से पहले, तो RRB स्केल 2 एंड स्केल 3 के लिए कोर्स हम लॉन्च कर चुके हैं एंड जो नया बैच है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of June, जिसमें आपको वीडियो लेशन, स्टडी नोट्स, बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव सेशंस एंड इंटरव्यू के लिए गाइडेंस सब इंक्लूडेड है। फ्लैट 40% ऑफ अभी चल रहा है। आप B40 ये कोड यूज कर सकते हो एंड iexambi.com विजिट करो एंड इस नंबर पे कॉल करो इफ यू हैव एनी डाउट्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं बजट से कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे। आप देख सकते हो इन द बजट 2021-22 फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड दिस अमाउंट फॉर एग्रीकल्चर। तो ये 2021 में कितना एलोकेट हुआ था एग्रीकल्चर के लिए, तो आप देख सकते हो बजट से क्वेश्चन है। तो एग्रीकल्चर रिलेटेड RRB, आपको पता है रूरल बैंक्स हैं, वो एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में ही डील करते हैं। तो आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड बजट के सारे कंपोनेंट्स एंड सारे स्कीम्स अच्छे से याद रखना है। देखो दे हैव आस्क्ड कि लास्ट लास्ट ईयर कितना था बजट में एक्सपेंडिचर, तो इस हिसाब से बजट को आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो बैंकिंग इंश्योरेंस के स्टैटिक क्वेश्चन आप देख सकते हो। DICGC प्रोवाइडेड फंड्स जो इंश्योर करता है सारे बैंक अकाउंट्स को 5 लाख, तो विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज उनको पेमेंट करना होता है, वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। तो नेक्स्ट स्टैटिक क्वेश्चन आप देख सकते हो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक वाज द फर्स्ट बैंक व्हिच वाज फुल्ली मैनेज्ड बाय एन इंडियन। ये भी स्टैटिक न्यूज है, जो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक, PNB इज द फर्स्ट इंडियन बैंक। तो ये स्टैटिक न्यूज है।
इन ऑर्डर टू इंटीमेट सेकेंड जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये नरसिम्हन कमिटी के बारे में पूछ रखा है, सेकेंड जनरेशन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कौन सी कमिटी से मिला था। आप देख सकते हो नरसिम्हन कमिटी, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। तो करंट अफेयर्स का भी देख लो किस टाइप के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आते हैं, जिससे आप देख रहे हो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस आते हैं। व्हिच बैंक हैज रिसेंटली टाइड विद भारत पे टू एक्सपेंड इट्स मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस। इसमें क्या है, इसमें अपने आपके कोई कॉन्सेप्ट है ना कुछ है। यू विल हैव टू रीड द कंटेंट, यू विल हैव टू रिमेम्बर द कंटेंट, बस यही करना है आपको। एक्सिस बैंक इज द आंसर। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड एन ऐप बेस्ड ऑन एंड टू एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म डिजिटल प्रयास। डिजिटल प्रयास ऐप कौन सी इंस्टीट्यूशन ने और कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। आंसर इज सिडबी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ये भी है, आपको याद ही रखना है। इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैक्सिमम 5 to 6 months के करंट अफेयर्स डोमिनेट करते हैं इस 29 क्वेश्चंस में। ठीक है, 29 क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको 5 to 6 months के करंट अफेयर्स से ही मिलेंगे। व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड रैंकिंग ऑफ LIC, द स्ट्रॉन्गेस्ट गवर्नमेंट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी करंट अफेयर्स ही है, करंट न्यूज में था तब। जनरल करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं, जिससे दो क्वेश्चंस आए थे। इंडिया ऑफर्स 40 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू बूस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्री। तो इसका आंसर था मालदीव्स। इंडिया ने मालदीव्स को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था 40 मिलियन का। तो ये एक जनरल करंट अफेयर्स है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑगस्ट 2021 विच कंट्री का आर्मी टेस्टेड सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी। उसका नाम था, मिसाइल का नाम था गजनबी। तो कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया। यही दो क्वेश्चन थे आपको मिलेगा जो जनरल करंट अफेयर्स से है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम अपॉइंटमेंट्स पे। संगीता सिंह सक्सीडेड हुम इज द चेयरमैन ऑफ CBDT। अगेन आप देख सकते हो समथिंग रिलेटेड टू फिनेंशियल सेक्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। यही जब भी आप अपॉइंटमेंट्स पढ़ोगे तो दीज काइंड ऑफ न्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने देख लिया ये, और एक क्वेश्चन आई हैव मिस्ड। एक और एक क्वेश्चन था कमिटी में। तो रिसेंटली कमिटी फॉर्म हुआ था RBI का, हु इज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको अपॉइंटमेंट्स में और कमिटीज में रिलेटेड होके मिल जाएंगे। तो आप देख ये बोल सकते हो कि आउट ऑफ दिस 40 क्वेश्चंस 37 to 38 क्वेश्चन आर रिलेटेड टू बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर से 37 to 38 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इट इज अ फेयर मिक्स, बजट से आ रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे से आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से आ रहे हैं, कमिटीज से आ रहे हैं, बहुत सारे फेयर मिक्स से आ रहे हैं। लेकिन आपको, आप ये देख सकते हो कि 37 to 38 क्वेश्चन बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस रिलेटेड ही आ रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, हम आगे देखते हैं। सोर्स एंड अप्रोच के बारे में हम बात कर लेते हैं। सोर्स शुड बी योर मंथली BPDF, जो कि हमारे साइट में फ्रीली अवेलेबल है। आप फ्रीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसका हिंदी वर्जन भी है, दोज विल बी राइटिंग दिस एग्जाम इन हिंदी। आप हिंदी में डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आप ये मंथली, वीकली 4 BPDFs आते हैं, मंथली 1 BPD आता है। एंड वेरी सुन वे स्टार्टिंग डेली BPD अपडेट्स एज वेल, डेली GA का अपडेट्स एज वेल ऑन द साइट ओनली। डेली अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे, वेरी सुन वे स्टार्टिंग। बट अभी के लिए आप देख सकते हो वीकली एंड मंथली मैगजीन है। तो आप इसी में से कोई सा भी चूज करते हो। 4 वीकली पढ़ने में आपको ज्यादा कंफर्टेबल हो तो यू कैन चूज ईदर ऑफ दिस थिंग्स। तो आपको BPD इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स आप जो पढ़ने वाले हो, क्योंकि इसमें आप, हमें दिखा दूंगा कि क्यों इसमें कैसे हम कवरेज करते हैं। तो दीज आर द सेक्शंस, जो BPD है उसमें ये सारे सेक्शंस ऐसे करके हम कवर करते हैं। तो जैसे कि आपके फिनेंशियल अवेयरनेस के लिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इसमें क्या क्या सेक्शंस इंपॉर्टेंट होंगे। ऑब्वियसली RBI, बैंकिंग एंड इकोनॉमी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है सेवी एंड फिनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन। देन आता है नबार्ड, एग्रीकल्चर एंड नेशनल न्यूज। ये 4 सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं, बहुत अच्छे से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आने वाला है। इंटरनेशनल न्यूज आपको, आपने देखा कि वो लाइन ऑफ क्रेडिट का पूछे थे। एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप सेकंड प्रायोरिटी में रख सकते हो। स्टेट का न्यूज यू कैन स्किप। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में आपको देखना है बस बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड कुछ भी अगर रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस हैं। लास्ट आप, जैसे मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू 6 मंथ्स का आपको करना है। तो 6 मंथ्स के BPD में अगर आप बैंकिंग एंड इकोनॉमी रिलेटेड रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस को ढूंढोगे तो आपको कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 5 और 6 रिपोर्ट्स ही मिलेंगे आपको। तो फिर आ जाते हैं हम अपॉइंटमेंट्स पे। सेम बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमी पे जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं दो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे आपको यहाँ पे भी 5 या 6
मिल जाएंगे अपॉइंटमेंट्स। तो ये सारे हो गया, एंड डेज में आप जस्ट देखना है आपको कोई बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक सेक्टर ऐसा उसमें रिलेटेड कुछ डेज उस पे थीम्स पे कुछ है क्या। तो ये सारे सेक्शंस आपको बहुत अच्छे से करने हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, आरबीआई बैंकिंग इकोनॉमी, सेबी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, नाबार्ड एंड एग्रीकल्चर, नेशनल सेक्शन, देन आ जाते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, देन आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स, एंड लीस्ट प्रायोरिटी पे आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है इंटरनेशनल न्यूज एंड स्टेट न्यूज। तो ऐसे ही करके आपको सेक्शंस कवर करने हैं बीपीडिया में। आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, एक बार हमारे साइट विजिट करो तो iexample.com पे, वहाँ पे जाके बीपीडिया डाउनलोड करके आप देख लो एक बार कैसे डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप यही डॉक्यूमेंट को फॉलो करना 6 मंथ्स का, तो दिस विल बी मोर देन एनफ। उसके साथ आप कंप्लीमेंट किस चीज से करोगे, पीआईबी से, ठीक है, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होता है, जो गवर्नमेंट की पब्लिकेशन होता है, दैट इज पीआईबी। पीआईबी का भी सेम आपको 6 मंथ्स का करना है, एंड यहाँ पे न्यूज बहुत कम रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए वैलिड होगा, तो आपको फिल्टरिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल और इकोनॉमी रिलेटेड, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऐसे ऐसे मिनिस्ट्री में अगर कोई अपडेट्स आए हैं उसका ही आपको नोट्स बना के रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। नहीं तो पीआईबी में बहुत सारे न्यूज आते हैं जो कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए रिलेवेंट नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको क्या करना है, बजट, बजट में जितने भी फिगर्स हैं, जो भी स्टैटिक सॉरी जो भी फैक्चुअल फिगर्स हैं, वो सारे आपको याद रखने हैं। स्पेशली किस सेक्शन में, आपको एग्री पे, रूरल डेवलपमेंट पे, ठीक है। एग्री पे जितने भी बजट एलोकेशंस हैं, जितने भी कोई कोई स्कीम्स को एलोकेशंस हैं, कोई पर्पस के लिए एलोकेशंस हैं, सेम गोज फॉर रूरल डेवलपमेंट, नरेगा को कितना एलोकेशन हुआ, एनआरएलएम को कितना हुआ, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स के एलोकेशंस हैं एंड कोई पर्पस के लिए एलोकेशंस हैं, तो ये सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं। तो बजट इज नॉन नेगोशियेबल। आप देखो 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 हो सकते हैं, तो बजट आपको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दिस विल या जितने भी यहाँ पे फैक्ट्स हैं एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड, तो इट विल टेक मैक्सिमम 6 आवर्स। 6 आवर्स में पूरा कवर हो जाएगा, आपको याद भी रह जाएगा, तो 6 आवर्स में अगर 2 या 3 मार्क्स आपको मिल रहे तो दैट इज गुड थिंग। तो बजट एंड बजट आपको करना है विथ रेस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इफ यू चूज टू एनरोल टू आवर कोर्सेस, आपको क्या हम ऑफर करते हैं, ताकि आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। जो बीपीडिया है, वी हैव स्टार्टेड डेली अपडेट्स फॉर आवर स्टूडेंट्स, डेली अपडेट्स, आपको डेली जीए का अपडेट्स मिल जाएगा सेम फॉर्मेट पे। आपको 3 सेक्शन 4 सेक्शन देखना है, बैंकिंग, जो आरबीआई बैंकिंग वाला सेक्शन है, सेबी वाला सेक्शन है, और नेशनल वाला सेक्शन, ये सारे सेक्शन आपको देखने हैं। 500+ जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज एवरी मंथ, ऑलमोस्ट 600 एमसीक्यूज आपको एवरी मंथ मिल जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। जब भी आप करंट अफेयर्स या फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हो, तो स्ट्रैटेजी शुड बी आप अपना खुद खुद का हैंड रिटन नोट्स बना लिए, देन रिवाइज दैट अप टू 6 टाइम्स, एंड एमसीक्यूज, लॉट ऑफ एमसीक्यूज प्रैक्टिस, दिस विल बी द अप्रोच। तो आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट 600 जनरल अवेयरनेस एमसीक्यूज एवरी मंथ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। एंड आप देखोगे कि मैंने जैसे कहा कि 6 मंथ्स के जितने भी रिपोर्ट्स हैं, इंडाइसेस हैं, जितने भी कोई रेलिवेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। तो एकदम से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वी विल प्रोवाइड यू समरी डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आपको हर महीने का जो भी रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस हैं उसका एक समराइज्ड फॉर्म में हम आपको दे देंगे, ताकि आपको लास्ट मोमेंट रिविजन में हेल्प मिल जाए। समरी डॉक्यूमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, एंड समरी डॉक्यूमेंट फॉर स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, इसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो जो लास्ट महीने में मेंशन है न्यूज में था वो सारे कवर होते हैं। तो आपको उस हिसाब से रेलेवेंट चीजें आपको चूज करना है, और वहां से आपको पिकअप करके उसको रिवाइज करना है। समरी डॉक्यूमेंट फॉर कमिटीज, मैंने कहा कि कमिटीज से 1-2 क्वेश्चंस थे, तो कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यहाँ पे समरी डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड करते हैं कि 1 मंथ में कितने कमिटीज फॉर्म हुए हैं और कौन फॉर्म किया है, उसका पर्पज क्या है। जैसे हम 2 सेक्शन में इसे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक है रेगुलेटरी बॉडी के लिए और एक है मिनिस्ट्रीज के लिए। रेगुलेटरी बॉडीज में जितने भी कमिटीज मेंशन है, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दोज थिंग्स, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आते हैं कमिटी से, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आरबीआई से भी का कमिटीज। देन आ जाते हैं मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री में ही पर्टिकुलर कुछ मिनिस्ट्री आपको देखना है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया, ऐसे मिनिस्ट्री का जो जो कमिटीज
फॉर्म हुए हैं वो आपको देखना है, समरी डॉक्यूमेंट्स आपको फाइनल जो आपका रिवीजन के टाइम में बहुत हेल्प होता है। पीआईबी के अपडेट्स हर 10 दिन में जितने भी पीआईबी रेलेवेंट पीआईबी के न्यूज आए हैं उसका हम वीडियो बनाते हैं, तो पीआईबी अपडेट्स आपको समराइज फॉर्म में मिल जाए, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड वहाँ पे फिल्टर करने को बहुत सारी चीज होता है। एज सम पीपल विल बी वर्किंग स्केल 2 स्केल 3 में, तो आपको पता है कि वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आपके पास टाइम भी कम रहता है, तो पीआईबी के लिए जो जितने भी रेलेवेंट न्यूज हैं हम आपके लिए चूज कर लेते हैं, तो वहां पे हम वीडियो के फॉर्मेट में डाल देते हैं। करंट अफेयर्स के लाइव क्लासेस एवरी वीक होता है, करंट अफेयर्स के बहुत सारे लाइव क्लासेस होते हैं, एक प्लेन जनरल अवेयरनेस के क्लासेस होते हैं, एक इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लासेस होता है, ईबीएफ का बोलते हैं हम इसे, इकोनॉमिक बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लासेस होते हैं। देन स्टैटिक जीके पीडीएफ्स वीडियोस एंड लॉट ऑफ एमसीक्यूज। हमने देखा कि स्टैटिक बैंकिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि डीआईसीजीसी पे आ गया और बहुत सारे बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसके लिए वी प्रोवाइड यू स्टैटिक जीके पीडीएफ्स, बहुत सारे वीडियोज हैं एंड उसी के बेस पे बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए। तो दीज आर आवर ऑफरिंग्स जो कि आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल अवेयरनेस में। ऐसे ही हर आपके हर सेक्शन के लिए जो आपके एग्जाम के लिए हम बहुत सारा ऑफरिंग्स दे रहे हैं, तो इस वजह से आप देख सकते हो कि आईबीपीएस आरआरबी के स्केल 2 जीबीओ स्केल 3 ऑफिसर आईटी ऑफिसर लॉ ऑफिसर एंड एएफओ ऑल दिस कोर्सेज हैव बीन लॉन्च्ड। फ्लैट 40% ऑफ आप अवेल कर सकते हो B40 कोड यूज करके। टू एनरोल टू आवर कोर्सेज iexample.com आप विजिट कर सकते हो और आप कॉल कर सकते हो 9205524028 पे। सो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा एंड आपको कुछ सीख मिली होगी कि कैसे आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस पे प्रिपरेशन करना है। आगे बहुत सारे वीडियोज आएंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि बहुत सारे जो वीडियोज हम ला रहे हैं तो आपके पास पहुंच पाए। एंड इफ यू नो समवन हु इज ऑल्सो प्रिपेरिंग फॉर यू नो सिमिलर एग्जाम्स, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।